हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी के एक टॉपिक के साथ, एकदम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, जिस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, शब्द भेद। हिंदी के बहुत सारे शब्द भेद होते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द भेदों को जानेंगे। तो आज हम शब्द भेद के बारे में जानेंगे कि क्या शब्द भेद होता है, शब्दों में भेद हम कैसे करते हैं, किस किस तरह से हम शब्दों का भेद करते हैं, जिससे वो पता चलता है। कोई भी उत्पत्ति के आधार पर होता है, कोई शब्दों के आधार पर होता है, कोई रचना के आधार पर होता है, कोई कार्यों के आधार पर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द भेद हैं। तो हम एक एक करके शब्द भेदों के बारे में जानेंगे कि क्या शब्द भेद क्या आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। जो उपयोगी रहेगा वो आपके लिए सारी चीजें बता दी गई रहेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो वीडियो हमारी अभी चल रही है, कम से कम 5 लोग इसके साथ जोड़ लीजिए। जो हमारी वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं, कम से कम 5 लोगों को जोड़ लीजिए, जिससे हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुंच जाए और लोग हमारी वीडियो को देखें और मजा लें कि कितने अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है। हंसी खुशी मजे के साथ पढ़ाई कब हो जा रही है हमको पता भी नहीं चल रहा है। कितने आसान से शब्दों में मैं आपको भरपूर कोशिश करता हूँ, अपने तरफ से मैं 100% देता हूँ। आप भी अपने तरफ से 100% दीजिए, जिससे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखें। तब बात करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं भाई? शब्दों के अनेक प्रकार के भेद होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शब्द भेद करीब सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से बनाया जाए तो लंबा चौड़ा ग्राफ बनेगा। तो फिलहाल हम बस पहला जानते हैं। सामान्यतः शब्दों को हम 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे शब्द होते हैं सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। वो दोनों प्रकार कौन कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, वो कौन कौन से हैं जल्दी बताइए। मैंने पूछा कि सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, निर्देशक चिन्ह वो कौन कौन से होते हैं? पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। ये हैं आपके सामान्यतः शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 2 भेद होते हैं, ठीक। इन दोनों भेदों के जो नाम हैं, पहले को हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थक की। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द क्या समझते हैं? सार्थक शब्द से क्या आशय है? सार्थक के बारे में अभी तक आप लोग क्या जाने हैं? जो सार्थक होता है उसके बारे में अभी तक आप लोगों ने क्या जाना है, क्या चीज सीखा है? कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें सार्थक लगती हैं। हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए अच्छी हों, जो चीजें जानकारी युक्त हों वो हमारे लिए सार्थक होंगी, हमारे लिए लाभदायक होंगी, जो हमारे लिए उपयोगी होंगी, वही सार्थक चीजें होती हैं। जिसको हम सिद्ध कर सकें, जिसको हम कुछ बता सकें, जिसका कहा जाता है ना कि जिसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ हो, जिस शब्द का कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ हो, जिस वर्ण का कुछ ना कुछ रूप लेके चलता है, कई वर्णों के मेल से ये शब्द का निर्माण हो रहा है। तो जो शब्द हमको दिखाई देंगे उन शब्दों का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, या लिख देते हैं उसकी परिभाषा। जिन लिखिए, जिन शब्दों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकले वे सार्थक शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे
जिन शब्दों का कुछ ना कुछ सार्थक है, यानी ऐसी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, यानी हम उसको विभाजित करते हैं, जब विभाजित करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, और जब उसको हम जैसे संधि विच्छेद करते हैं उसी रूप में इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं, और दोनों का जो संधि विच्छेद के पहले और संधि विच्छेद के बाद दोनों का हम कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलते हैं, यानी जो खंड करने पर भी हमको कुछ ना कुछ सार्थक रूप में दिखाई देता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये यहां तक कन्फर्म, जैसे सार्थक शब्द अपने हिसाब से जो बोल सकते हैं बोलिए, जैसे रोटी है, रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसके कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये भी सार्थक है। रोटी कपड़ा मकान, पानी भी तो पियेंगे, पानी भी पी लीजिए, पानी भी पी लीजिए, ठीक। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था की जा रही है आपके लिए पीने के लिए। अरे घर में रहेंगे, पानी की जरूरत पड़ेगी, रोटी की जरूरत पड़ेगी, कपड़ा पहनने के लिए और रहने के लिए, क्या चीज़, मकान की। तो ये सीधा सा उदाहरण है, रोटी कपड़ा मकान पानी, तो ये किसके अंतर्गत आता है, सार्थक शब्द। ये रोटी समझते हैं ना, अगर रोटी समझते हैं कि रोटी होती है, यानी आपके लिए सार्थक है, यानी उस चीज़ को आप समझ रहे हैं, उस चीज़ को जान रहे हैं, उस चीज़ को पहचान रहे हैं, रोटी को समझ लिए, यानी आपके लिए ये सार्थक शब्द है। ये चीज़ के बारे, जिस चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिस चीज़ों के बारे में अच्छे से समझते हैं, वो आपके लिए सार्थक चीज़ें होती हैं। सिर्फ यही उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको आदि लिख लूँ, नहीं तो ये समझे कि बस यही सार्थक शब्द होते हैं और बहुत सारे शब्द नहीं होते हैं, तो ये नहीं, बहुत सारे सार्थक शब्द होते हैं। किनका किनका नाम लिया जाए, जो अपने हिसाब से कुछ न कुछ अर्थ, जो अस्पष्ट रूप से आप समझते हो, जानते हो, व्यवहारात्मक रूप में, चाहे व्यवहारात्मक रूप में चाहे सामाजिक रूप में, जिस रूप में आप उसको जानते हैं, सार्थक अगर आपको समझ में आता है तो वो सार्थक शब्द होगा। जिसका कुछ न, रोटी का अर्थ निकल रहा है ना, कपड़ा का भी अर्थ निकल रहा है ना, मकान मीन्स क्या समझते हैं, रहने वाला स्थान जहाँ मनुष्य रहते हैं, मकान बना के उसके अंदर, पानी जो पानी हम पीते हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं, तमाम जगह पानी का नहाने धोने सबके लिए प्रयोग होता है, तो ये सारी चीज़ें सार्थक है कि नहीं है, तो ये सार्थक कहलाता है। अब दूसरा इसका ख, ख क्या है, निरर्थक, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द से आप क्या समझते हैं भाई, सबसे पहले ये चीजें छोड़ दीजिए, निरर्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है भाई, जो चीजें हमारे लिए किसी काम की नहीं है वो निरर्थक होती है, जो चीजें हमारे किसी काम की नहीं होती है वो हमारे लिए क्या होती है, निरर्थक होती है। यानी सिर्फ निरर्थक मैं बता रहा हूं, अब जब निरर्थक शब्द की मैं बात करूंगा, जिन शब्दों का अपना कुछ शाब्दिक अर्थ ना निकले, जिन शब्दों का अपना कुछ शाब्दिक अर्थ ना निकले उसको निरर्थक कहते हैं। मतलब जिनका कुछ रूपों में हमको प्रयोग में ही नहीं लाया जाता है, उसका यूज ही नहीं होता है, हम कभी उसके बारे में उसका शाब्दिक अर्थ ही नहीं जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं। यानी परिभाषा लिख सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम जिन शब्दों का प्रयोग हम सार्थक रूप में नहीं कर पाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम सार्थक रूप में नहीं कर पाते हैं उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी इन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, कहा जाए एक तरह से सार्थक रूप से इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आता है उस शब्द का, वो हमारे लिए निरर्थक होता है। जिन शब्दों को हमारे बीच में हमको समझ में आता है उनको सार्थक कहते हैं, जिन जो शब्दों के हमसे कोई मतलब नहीं रहता, उस चीज के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं उसको निरर्थक कहते हैं। जैसे क्या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई, बोटी, ओटी, बोटी कोई अर्थ है, बोटी का सुने हैं, बोटी नहीं कह रहा हूं, ओटी, ओटी, बोटी, ओटी, ठीक, बोटी का अर्थ कुछ होता है आपके हिसाब से,
सोटी सोटी भाई, मैं क्षेत्रीय भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसके में कुछ और समझते हो तो भाई हमको समझना है। सार्थक अर्थों में रोटी अगर हमने कहा तो ऐसा कोई भारतवासी नहीं है जो रोटी को रोटी ना समझता हो। रोटी मतलब वो समझ गया कि रोटी की जो खाने वाली रोटी होती है उसी की रोटी की बात हो रही है। तो ये चीज़ें सार्थक रूप में सबको पता है। अब कोई अपने हिसाब से कोई बोटी कुछ और नाम रख ले, किसी लड़की का ही अपना अलग नाम रख ले, उस नाम से बुलाए और उसके पिताजी किसी और नाम से बुलाए, तो वो तो अलग बात हो गई। अपने हिसाब से कुछ शब्दों का चयन कर लें, लेकिन उस बोटी का कुछ शार्दिक अर्थ नहीं निकल। सोटी का भी कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। वंडा वंडा, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है। यानी इन सबों का कुछ भी हमको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं कि क्या चीजें ये होती हैं। ठीक, ये अपने हिसाब से कोई सेट कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन इन चीजों का कोई सार्थक अर्थ हमको नहीं दिखा रहा है। यानी ये निरर्थक शब्द कहला रहे हैं। और जो चीजें देखिए, रोटी कपड़ा मकान पानी, ये सारी चीजें हमको समझ में आ रहा है। तो ये एक नोट करके ये चीजें लिख लीजिएगा कि ये जो भी निरर्थक शब्द हैं, निरर्थक शब्द नोट, ये निरर्थक शब्द हमेशा हमेशा सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट में करके इस निरर्थक शब्द के लिए दिया है कि ये निरर्थक शब्द जो हैं ये सार्थक शब्दों के साथ अक्सर बोले जाते हैं, ये सार्थक शब्दों के साथ अक्सर बोले जाते हैं, लेकिन आपको ये चीजें नहीं पता है कि वो सार्थक हैं कि निरर्थक है, लेकिन वो बोले जाते हैं अनजाने में, जाने अनजाने में आपके, चाहे वो चीज़ें वो रिपीट में आ रही हो, चाहे आपके जहन में वो चीज़ें बैठी हो, चाहे दिमाग में बैठी हो, तो वो उस चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। जिस तरह से कह सकते हैं ये मैंने लिखा है कि ये निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। वो शब्द कैसे, कौन कौन से हैं भाई? जैसे जैसे रोटी के साथ कहते हैं रोटी ओटी, रोटी बोटी कहाँ है भाई? तो रोटी तो समझ में आ रही है, बोटी हमको नहीं समझ में आ रही है। ठीक, डंडा डंडा समझ में आ रहा है, लेकिन बंडा नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, जो हम पिछले कक्षा पे अपने जो चिन्ह पढ़े थे उन चिन्हों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं निर्देशक चिन्ह लगाया हूँ, निर्देशक, और इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, डंडा वंडा के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है। ठीक, तो ये चीजें डंडा वंडा रोटी सोटी प्यार और कहते हैं ना, प्यार और प्यार सियार कहते हैं, सियार प्यार सियार, सियार वाला सियार नहीं, वो श्रृंगार सिंगाल होता है या तो सियार बोले जाता है। ठीक, तो ये प्यार सियार कहते हैं ना, प्यार सियार रोटी सोटी भोजन ओजन कहते हैं ना, भोजन ओजन, भोजन के साथ ओजन। तो ये किस रूप में है? ये चीजें आपको सार्थक रूपों में समझ में आ रही हैं। अब भोजन के साथ ओजन है, ठीक, तो ये निरर्थक है। ये कहा क्यों जाता है भाई? सार्थक शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग ज्यादातर होता है, ज्यादातर, तो इसलिए ये सार्थक रूप में काउंट होते हैं। और ये जो चीज़ें हमारे प्रयोग में नहीं आती हैं वो निरर्थक कहलाती हैं। और जो बोला जाता है निरर्थक शब्द, लगभग लगभग सार्थक शब्दों के साथ कुछ निरर्थक शब्दों को हमेशा बोला जाता है। वो चीज़ें आपको रूपों में दिखाई दे रही हैं, सार्थक है यहाँ निरर्थक है, सार्थक है यहाँ निरर्थक है, सार्थक है यहाँ निरर्थक है। इससे आप समझ सकते हैं अच्छे से कि क्या चीज़ें हैं। और कुछ समझें चाहे नहीं समझें, प्यार से यार समझ में आया ना? ठीक, चलिए, ये तो थी सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक की बातें। अब बात करते हैं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, कहा जाए रचना व्युत्पत्ति
रचना व्युत्पत्ति ठीक के आधार पर, ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, ये निर्देशक चिन्ह, रचना व्युत्पत्ति बनावट कहा जाए, ये सारी चीजें एक ही है। अगर इसमें से कोई एक पूछा रहे तो भी कह रहा है कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, कितने भेद होते हैं भाई? उत्तर जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो कितने होते हैं? शब्दों के भेद, मैं वर्ण भेद नहीं कह रहा हूँ, शब्द भेद मैं कह रहा हूँ, शब्द भेद कितने होते हैं भैया? तीन होते हैं। उन तीनों के नाम बता दीजिए। आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। रूढ़, एक रूढ़ हो गया, अब दूसरा आप बताइए, दूसरा बताइए। अरे रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा हो गया यौगिक शब्द हो गया, तीसरा जल्दी बताइए, तीसरा रूढ़ यौगिक शब्द, रूढ़ योग रूढ़ कह सकते हैं, योग रूढ़, यौगिक रूढ़ भी इसको कहते हैं, ठीक ना? यौगिक मतलब मिला है, योग मतलब भी जोड़ना, तो मतलब जो चीजें जोड़ के भी बनती हैं वो योग रूढ़ के अनुसार होती है। यौगिक इसमें भी शब्दों को जोड़ के बनाया जाए, और जो रूढ़ होता है उसमें शब्दों को बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता है। मतलब अब एक एक की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे ये कार्य हो रहे हैं, किस तरह से रूढ़ शब्द जो है अपना फंक्शन करता है, किस तरह से यौगिक शब्द अपना फंक्शन करता है, किस तरह से योग रूढ़ शब्द अपना फंक्शन करता है, मतलब कार्य प्रणाली उसकी किस तरह से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क रूढ़, रूढ़ शब्द, रूढ़ मतलब रूढ़ मीन्स क्या होता है? मैं शब्द नहीं, पूरा नहीं, बस ओनली वन वर्ड, एक शब्द के बारे में बताइए कि रूढ़ क्या होता है। कहते हैं ना बहुत पुराना है, बहुत पुराना है एक हमारे, अच्छा पहले के जमाने का जो फोन आया था और आज के जमाने के फोन में, अगर आपको पुराना वाला फोन दे दिया जाए कि भाई आज के जमाने में यूज करिए, तो क्या वो चीजें आपके लिए सही होंगी? क्या आप उसका प्रयोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए रूढ़ हो गई हैं, यानी हमारे लिए अनुपयोगी हो गई, उपयोगी नहीं अनुपयोगी, कि मतलब हमारे लिए वो किसी भी प्रकार के लिए यूज में नहीं है, यानी जो चीजें हमारे प्रयोग में नहीं आती हैं वो धीरे 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 रूढ़ हो जाती हैं। ठीक, जिस खेत में फसल नहीं होती है कुछ सालों तक, 10 सालों तक, 20 सालों तक फसल ना बोलिए, तो धीरे धीरे बंजर हो जाती है। बंजर में कुछ दवाई वाई डाल के भी फसल उगाई जा सकती है, लेकिन अगर बंजर होने के बाद, ठीक, बंजर होने के बाद सीधा सीधा उसमें और कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो वो सीधी सीधी उसमें कभी जिंदगी में फसल नहीं हो सकती है। यानी वही शब्दों का प्रयोग ऐसा आता चला गया है कि समय के अनुसार आप बीतते चले गए हैं, छूटते चला गया है, और वो हमारे लिए रूढ़ हो गया है। तो रूढ़ मतलब जो हमारे लिए एक तरह से, जिन शब्दों का हमारे लिए सार्थक अर्थ ना हो, जिन शब्दों का सार्थक अर्थ न हो वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का सार्थक अर्थ न हो वो क्या कहला रहे हैं भाई? रूढ़ शब्द कहला रहे हैं, यानी जिनका कोई शाब्दिक अर्थ न निकलता हो। जैसे जैसे यहां आज लिख दिए ना, आज लिखे हैं, आज का जब हम तोड़ते हैं आज लिख दिए, कल पर नल, आज फिर कल, फिर पर, फिर नल, फिर थल, फिर जल, ये तो समझ में आ रहा है, आज कह रहे हैं, कल कह रहे हैं, पर कह रहे हैं, नल कह रहे हैं, थल कह रहे हैं, जल कह रहे हैं, इतनी सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन हम इनको जब तोड़ते हैं, मतलब इसका विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद करने का मतलब दोनों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए एक एक वर्ड का, मतलब
जौ का कोई अर्थ है? आ वका, आ का कोई अर्थ बताइए, कोई है? अब इसको जौ का, मैं वर्णमाला नहीं स्वर व्यंजन नहीं पढ़ा रहा हूं, उस चीजों को मत समझिए कि ये सर वो वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आ रहे हैं। मैं इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा हूं। आ का कोई शाब्दिक अर्थ है? सार्थक रूप से कोई अर्थ निकल रहा है? जौ का कोई सार्थक अर्थ? ये किसी न किसी शब्द को लेके जुड़ेगा, जैसे जौ को कह रहे हैं जौ से जहाज, तो हाज यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तब नहीं बनेगा। लेकिन इनको अलग किया जा रहा है तो ये अपने आप में बंध जा रहे हैं। जैसे क का कोई अर्थ है, लेकिन क के साथ कुछ और लगाया जाए, कुछ और वर्ड लगाया जाए। जैसे ये कल लिखा है ना, क और ल, एक एक वर्ण लिखे गए, दोनों को मिला के कल बना है ना। तो इसका देखिए, इसका भी क का कोई अर्थ है, ल का कोई अपने आप में अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। प का, र का कोई नहीं है, न का, ल का कोई नहीं है, थ का, ल का कोई नहीं है, ज का, ल का कोई नहीं है। मतलब ये किसी न किसी शब्द को जोड़ के ही सार्थक बन सकते हैं, लेकिन इनका जब विखंडन होता है तो ये अपने आप में सार्थक नहीं होते हैं। ठीक, इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, इसीलिए ये रूढ़ हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, समय के अनुसार ये खत्म हो गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? यौगिक, यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है? सबसे पहले ये परिभाषा जान लीजिए। यौगिक शब्द में कहते हैं जिन दो शब्दों के हम सार्थक, जिन दो शब्दों के सार्थक मेल से हम कोई एक नया वर्ड बना देते हैं, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक अब शब्दों के मेल को यौगिक कहते हैं, यानी दो सार्थक शब्दों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी दो हमारे जो ऐसे शब्द होंगे, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा, और उन दोनों का जब एक साथ हम जोड़ते हैं तो एक नया अर्थ निकल जा रहा है। ठीक, दो सार्थक हम कह रहा हूं, दोनों सार्थक का मतलब दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा और उन दोनों को हम जोड़ते हैं। अभी तो संधि विच्छेद कर रहे थे, ये पहले से अलग है, और अब उन दोनों सार्थक शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद एक नया निकल के आता है। यानी जैसे कहेंगे हम विद्यालय, विद्यालय, ठीक, पुस्तकालय, हिमालय, ये सारी चीजें हैं। ये किन शब्दों से मिलकर बनी है? दो शब्दों से मिलकर बनी है। दोनों शब्दों को मैं सार्थक रूप में लिख रहा हूं। विद्या, विद्या मीन्स क्या जानते हैं? ज्ञान। और आलय, आलय मीन्स जो घर होता है वही तो आलय कहलाता है। आलय निलय क्या कहलाता है? आलय, आलय मतलब घर। यानी विद्या का जहां रखी जाती है विद्यालय कहा जाता है, विद्यालय का ज्ञान मिलता है, मतलब शिक्षा जहां आपको प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? विद्यालय। यानी विद्या भी मिलती है और घर है। विद्यालय बनाया जाता है कहाँ? रहने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां उसको विद्यालय कहते हैं, जहां शिक्षक अपने समय के अनुसार शिक्षा देते हैं, एक पद्धति के द्वारा, एक संस्कार द्वारा, एक अनुशासन द्वारा, उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। तो इसका दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यानी इन दोनों का जब सार्थक अर्थ निकल रहा है तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। अगर जिन दो शब्दों का सार्थक अर्थ अगर यही निकलता, विद्या का अर्थ निकलता और आलय का अर्थ नहीं निकलता, तो ये सार्थक नहीं हो सकते। यानी सार्थक नहीं होंगे तो यौगिक शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका भी देख लेते हैं। पुस्तक, धन, आलय, यानी बहुत सारी जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय, यानी पुस्तक रखने का घर। पुस्तक जहां बहुत सारी रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। ये भी देखिए दोनों का सार्थक अर्थक है। तीसरे का देख ले रहे हैं, हिम, धन, आलय। हिम मतलब बर्फ ना, हिम मतलब कहते हैं ना बर्फ, तो हिम मतलब जो बर्फ है, और आलय मतलब घर, यानी जो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ के द्वारा चारों तरफ से ढका हुआ है, बर्फ के बहुत सारी चीजें उस पर रहती हैं, वो क्या है? उसको हिमालय कहते हैं। बर्फ से एक तरह से हिमालय ढका हुआ है, इसीलिए हिम, धन, आलय। हिम मतलब बर्फ, धन आलय, यानी बहुत सारे बर्फ जहां रहते हैं उसको क्या कह रहे हैं?
हिमालय, यानी दोनों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, वे यौगिक शब्द कहलाएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब तीसरे की बात करते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ क्या कहते हैं? योग रूढ़ क्या कहते हैं? योग रूढ़ इसको कहते हैं। ये दो जो सार्थक अर्थ यौगिक के निकलते हैं, ये जो दो सार्थक अर्थ निकलते हैं यौगिक के, इन दोनों के अर्थों के मेल से बना होता है, लेकिन ये परिवर्तन के अनुसार क्या होते हैं? वो चीजें, वो शाब्दिक अर्थ जब उसका निकलता है तो ये उसके अर्थ को किसी अन्य अर्थ को इंगित करते रहते हैं, उसके वर्तमान अर्थ को इंगित कर नहीं करके इसके किसी अन्य अर्थ को इंगित करते रहते हैं। इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द यौगिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो यौगिक शब्द का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ न होके ये किसी तीसरे अर्थ को इंगित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, ऐसे दो शब्द यौगिक के जो सार्थक रूप से बने होते हैं परंतु ये किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये चीजें होती हैं। यानी ऐसे दो सार्थक शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, जो तो बने तो दो सार्थक शब्दों से ही होते हैं, लेकिन ये उसका शाब्दिक अर्थ न लेके ये किसी तीसरे अर्थ, यानी पहला दो शब्दों से मिला पहला हो गया, जो उसका अर्थ निकला उसका शाब्दिक अर्थ दूसरा हो गया, ये तीसरे की बात हो रही है कि दो उसके शाब्दिक अर्थ को न लेके ये तीसरे की जब बात करते हैं तो वो तीसरा शब्द क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। तो वो योग रूढ़ शब्द होता क्या है भाई? एक सिंपल सी चीज है, जैसे बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास का नाम सुने हैं? बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास के अंतर्गत ऐसे सारे के सारे उदाहरण, बहुव्रीही समास के सारे उदाहरण, बहुव्रीही समास के सारे उदाहरण जो होते हैं योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम आप कहेंगे कि बहुव्रीही समास क्या होता है भाई? तो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र क्या होता है? यानी जिसके तीन आंखें हों, यानी जिनकी तीन आंखें हों, अर्थात भगवान शिव। किनकी तीन आंखें? आपकी, हाँ, लंबोदर कह सकते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, लंबर है, लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान गणेश। भगवान गणेश। इसी तरह बहुत सारे चीज और सारे उदाहरण है, देवराज लिख लीजिए, देवराज। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। यानी देवताओं के राजा जो हैं वो इंद्र हैं, देवों के राजा अर्थात इंद्र। ठीक, चतुरानन, जिसके जिनके चतुर आनन हो, यानी चार सिर हो, अर्थात ब्रह्मा। दशानन, जिसके दस आनन हो, यानी दस सिर हो, अर्थात रावण। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? दस धन आनन। देखिए दोनों का जो यौगिक शब्द है वो दोनों का निकल रहा है, दशानन। देखिए एक चीज उदाहरण के माध्यम दोनों, देखिए सार्थक मैंने ये चीजें लिखाई है, ऐसे दो सार्थक यौगिक जो सार्थक रूप से बने हो, यानी सार्थक उसकी दस धन
आनन। तो 10 का मतलब 10, गिनती गिनती है ना वो वाला 10, ठीक। और आनन, आनन मतलब सिर, आनन मीन्स सिर, यानी 10 सिर जिसका है वो क्या है, रावण। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये लिखा गया है ना किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, यानी इन दोनों को न बता के तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, रावण। तो ये था योग रूढ़ शब्द। ये शब्द व्यवहार के अंतर्गत आता है, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे ये सारे के सारे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये इस चीज़ें आप लोगों को अभी तक समझ में आई होगी। और एक बार और, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लेट से देखा है तो वो फिर रिपीट माध्यम पे जाके वो सारी वीडियो देख लेंगे, पूरी की पूरी वीडियो। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर कर लें।